आईफोन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी के साथ आईफोन सेट, ध्यान रखना है, आईफोन सेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट किया है, वह कौन सा भारतीय कंपनी है? ध्यान रखना है, एप्पल ने भारत में अपना एक कंपनी डाला है और भारत में आईफोन सेट के लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए किन से, तो आपको पता ही होगा, वो है हमारा टाटा। जी हाँ, टाटा मलेशिया के नव निर्वाचित राजा है ना, न्यूली इलेक्टेड किंग ऑफ मलेशिया में उनका नाम बताना है आपको। ये मलेशिया है, क्या है? मलेशिया है। और हमारा आंसर हो जाएगा इब्राहिम इस्कंदर। क्या है? इब्राहिम इस्कंदर, ध्यान रखिएगा, इस्कंदर याद रखना है। मलेशिया, ये सिया है ना, याद रखना है। इस्कंदर क्या है? ई सिकंदर, ध्यान रखना है। अगला ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा, गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा, जी हाँ, गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा है ना प्रदान करने वाली कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है, आपसे पूछा गया। ये भारत की पहली है, ध्यान देना है, है ना। और ये भारत की पहली है और आपको पता होगा कि ये ब्रॉडबैंड को लाने वाला पहला जो होता है वो हमारे क्रेडिट जाता है रिलायंस को, और रिलायंस ने जियो लाया था, इसलिए आपको याद रखना है कि जब पहला बात हो तो ये अभी तक तो कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ जियो को ही था, रिलायंस जियो ही आपका आंसर अंदाज से भी सही हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने, याद रखना है, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जितना स्टार लगा सकते हैं आप इसे लगा लीजिए, हमें लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, हाल ही में एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के श्रेणी के लिए कौन सी योजना, जय भीम मुख्यमंत्री योजना, याद रखना है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना आपको याद रखना है। और ये है हमारा कौन सा, इसका मैं जवाब चाहूंगा, है ना, इसका मैं जवाब चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र का पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अगर आप ध्यान रखिएगा कि आप अगर संयुक्त राष्ट्र में आप देखभाल किसी का करना चाहते हैं, किसी की सहायता करना चाहते हैं, तो आप याद रखिए कि आपको ऊन का स्वेटर उसको गिफ्ट करना पड़ेगा। अगर किसी का देखभाल करना चाहते हैं तो अब आने वाला है ठंडी, आपको ऊन का स्वेटर उसको गिफ्ट करना पड़ेगा। ऊन मतलब 29, और आपको याद रखना है अक्टूबर महीने में आपको ठंडा लगने लगता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलिए तो लगता है ना, इसका मतलब ये हो गया। चलिए, हॉर्नबिल महोत्सव काफी इंपॉर्टेंट है सर, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है हॉर्नबिल महोत्सव, जो हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर को आयोजित होगा, है ना, हर वर्ष नहीं है ये, एक ये देखिए, ये प्रीवियस यहाँ होगा नहीं, हो गया है ना, वो किस राज्य से संबंधित है आपको ये पूछा जा रहा है। सीधा सीधी क्वेश्चन है हमारा, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। देखिए, हॉर्नबिल ध्यान रखना है, और बिल में जो है ना नाग सांप चला गया, समझ में आ रहा है ना, हॉर्न बजाते हुए बिल में नाग सांप घुस गया, आहा, नागालैंड आपको याद रखना है, नागालैंड, हॉर्नबिल और बिल में ना फू, ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस फूड डिलीवरी कंपनी ने महिला डिलीवरी, क्या है, पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा, याद रखना है, मातृत्व बीमा की शुरुआत की है। देखिए, याद रखना है, याद रखना है, फूड डिलीवरी कंपनी महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए उन्होंने मातृत्व बीमा, याद रखिएगा आपको, है ना, ये जोमैटो का मतलब तो हमको लग रहा है ना, जो मोटी, जो मोटी,
क्या है ये जोमैटो नहीं है? जो मोटी, और मोटी कौन होती है? महिला, यानी महिला पार्टनर, सॉरी फॉर दिस वर्ड, है ना। तो याद रखना है आपको कि महिला के लिए मातृत्व यानी मोटी, मोटी मतलब जो मोटी यानी जोमैटो, ध्यान रखना है। थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए जिंदगी में, का रखा है कल हो ये किसने देखा है, लेकिन हम देखे हैं, कल आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए, और श्रवण सर को हम आज ही कमिटमेंट करा दिए हैं, पूरा एमसीक्यूज होगा। अगर आज एमसीक्यूज नहीं, कॉन्सेप्ट का क्लास चलता है, तो कल एमसीक्यूज होगा। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, ध्यान रखना है, भारत यूरोपीय संघ का पहला नौसैनिक अभ्यास। देखिए यहाँ पे फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ हमारा पहला है, क्या है हमारा पहला है, भारत और यूरोपीय संघ का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ। जैसे ही याद रखना है, भारत का यूरोपीय संघ के साथ नौसेना का अभ्यास, किसका? नौसेना का अभ्यास, याद रखिएगा। ये पी मतलब पी लिए, और कहाँ पीजिएगा? तो पानी ना पीजिएगा, थल सेना में क्या मिट्टी पीजिएगा, तो नौसेना का अभ्यास। पेय, पी मतलब पेय, पेय मतलब पानी, पानी मतलब नाव, नाव मतलब, समझ में आ गया। तो याद रखना है आपको कि ये कहाँ पर संपन्न हुआ, तो याद रखना है कि ये हमारा यूरोपीय है, और यूरोपीय में याद रखना है नौ सैनिक को हम लोग गिन गिन के भर्ती किए थे। मेरा कहानी अगर आप याद नहीं रखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। मेरा कहानी है, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ नौ सैनिक अभ्यास किया, क्योंकि यूरोपीय है, पी मतलब पी, नौसेना मतलब पानी, तो पानी में पीना है, और क्या करना है, गिन गिन के पानी पीना है रे बाबा, कूद कूद के नहीं, गिन गिन के। गिन मतलब हो गया गिनी की खारी, गल्फ ऑफ गियाना, जिसको गिनी कहते हैं हम लोग हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वाले दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, याद रखना है, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल की शुरुआत की है। देखिए आई स्टार्ट, आई और स्टार्ट कर दिया अपना टैलेंट, और उसको कनेक्ट कर दिया, और ये काम किसने किया? सरकारी नौकरी, नौकरी प्रदान करने वाले और नौकरी चाहने वाले, ध्यान रखना है, आई और स्टार्ट कर दिया। केजरीवाल साहब का नाम आपको याद होगा, वो आए और स्टार्ट हो गए थप्पर लगने का काम। तो याद रखिएगा कि आई और स्टार्ट, इतना टैलेंट था कि मत पूछिए, पहले दो चार दिन में थप्पर याद दिया गया। आपको मजाक में इसको लेना है, दिल पे लेके भी आप क्या करेंगे हैं। ग्लोबल रिसर्च एजेंसी, आप देखिए ये थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, स्टेटिस्टा के अनुसार फिटनेस यूनिफॉर्म सॉरी यूनिकॉर्न की संख्या के आधार पर विश्व के देशों में भारत किस स्थान पे है। क्वेश्चन नया है, लिंक उस पुराने से है, क्वेश्चन नया है और लिंक उस पुराने क्वेश्चन से है, ध्यान देना है। ग्लोबल रिसर्च एजेंसी, याद रखना है, कौन है हमारा स्टेटिस्टा, बोलिए हम प्रेम से स्टेटिस्टा, ध्यान रखना है, दिल पे ले लिए ना, बहुत बढ़िया। सर मेल टीचर भी मोटे होते हैं, बिल्कुल सही बात है, देखिए हम कितने मोटी हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम जान रहे थे कि कोई ना कोई तो तूफानी मचाने के लिए आ गएंगे। अरे वाह, बागेश्वर धाम के बालाजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चरण दीजिए, प्रणाम कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस राज्य में, याद रखना है कि ये स्टेटिस्टा ने विश्व के किस स्थान पर, भारत के किस स्थान, और यानी भारत का कौन सा स्थान था ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है स्टेटिस्टा, स्टेटिस्टा याद रखना है, स्टेटिस्टा क्या हो गया, ये थर्ड नंबर पे चला गया, भारत का स्थान क्या हो गया स्टेटिस्टा में, थर्ड नंबर पे हो गया, ध्यान रखना है, थ्री नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा में मजबूत करने के लिए, यानी केंद्र सरकार ने महिला और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए देश में कितने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट,
की स्थापना का निर्णय लिया है। देखिए ये बहुत ही दुखद बात है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हुए भी कोई उपाय नहीं होता है। तो ध्यान देना है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं FTSC, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए, आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, FTSC मतलब फास्ट ट्रैक, और क्या है स्पेशल कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया है। कितना तो आपको याद रखना है कि ये महिला और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए आपको याद रखना है 1024 से एक कम 10। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते, इसका आंसर हो गया था, बिल्कुल सही बात है। चलिए महंगाई भत्ते है ना में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी 1 जुलाई 2023 को दे दी है। आपको ये पता होगा, ये याद रखना है, मात्र 4%। कितना तो मात्र 4%, ये सभी जान रहे हैं। आपका पढ़ाने का अंदाज निराला है, आभार इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एशिया पैरा गेम्स, ध्यान देना है एशियाई पैरा गेम्स, क्वेश्चन याद रखना है सर, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में हाल ही में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली प्राची यादव जी, प्राची यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सबसे पहले तो याद रखना है एशियाई पैरा गेम्स, आपको याद रखना है 2023। मैं पूछ दूं कि इसका आयोजन कहां हुआ था, क्या कमेंट में जल्दी से आप जवाब देंगे कि इसका आयोजन कहां किया गया था, ये जल्दी से बताइएगा। इसमें भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली का नाम भी आपको याद रखना है, वो है हमारे प्राची यादव जी, और ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि वो किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि यह क्या है, हमारा कैनोइंग याद रखना है। क्या याद रखना है, कैनोइंग गेम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत को, याद रखना है, कलवरी क्लास सबमरीन, ये याद रखना है हमारा कलवरी सीरीज का है, कलवरी क्लास के सबमरीन के लिए लिथियम आयन बैटरी तकनीक, ध्यान देना है लिथियम आयन बैटरी तकनीक देने की सहमति जताई है, ये देने पर सहमति जता दी है। किस देश ने भारत को लिथियम आयन बैटरी के लिए प्रदान करने के लिए, तो आप जानते हैं कि ये क्या है लिथियम आयन बैटरी, आपको ध्यान रखना है, ये क्या है हमारा, फ्रांस, सबसे अच्छे मित्र है हमारे फ्रांस, आपको याद रखना है। अगला देखिए, S&P Global India, जी हाँ S&P Global India विनिर्माण के अनुसार, यानी S&P Global India मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं PMI, ध्यान देना है ना, के अनुसार भारत किस वर्ष $7,300 अरब, बहुत बेहतरीन, $7,300 अरब के सकल घरेलू उत्पाद के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस बात से हमें खुशी तो है लेकिन तकलीफ भी है कि $1 trillion के बनने के चक्कर में हम लोगों का दशा, दुर्दशा आप समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा समझदारी होना चाहिए कि पहले जनता त्राहिमाम कर रहा है और हम लोग ट्रिलियन और वन नंबर पे आने का प्रयास कर रहे हैं, तो दुनिया में हम लोग तीसरे नंबर पे आ चुके हैं और एशिया की बात करें तो हम लोग दूसरे नंबर पे आ चुके हैं, ये हमारा गर्व की बात है, घमंड है हमें इस बात का, लेकिन थोड़ा सा अफसोस है कि जनता त्रस्त है इस योजना से। तो याद रखना है ये टारगेट बनाया गया है 2030 तक $73 अरब का हमारा GDP हो जाएगा, यानी सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। 30 तक हम लोगों को बहुत ही टेंशन झेलना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। 1962 में स्थापित भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जी हाँ ITBP याद रखना है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने हाल ही में अपना 62वां स्थापना दिवस, कौन सा, तो ITBP ने अपना 62वां यानी 62वां स्थापना दिवस क्या किया है,
मनाया है और वह कौन सा तिथि है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखना है ये है हमारा कौन सा तिथि, तो ये याद रखना है ये हमारा है अक्टूबर महीने में 24 अक्टूबर, ध्यान देना है 24 अक्टूबर याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने रोजगार के अवसर के साथ ही किसानों को जैविक खाद उपलब्ध कराने के लिए क्या है पराली से सीएनजी गैस के उत्पादन की योजना बनाई है। जी हाँ, पराली से सीएनजी गैस बनाने की योजना बनाई है, तो आपको ये पता होगा। आप जल्दी से जैसे ही जाइएगा पराली पे, आप हरियाणा या पंजाब चले जाएंगे, लेकिन ये याद रखना है इतना बढ़िया इनिशिएटिव ये दो राज्य नहीं बल्कि हमारा उत्तर प्रदेश ही कर सकता है। ये बातें आपको याद होना चाहिए। चीप सप्लाई चैन याद रखना के लिए भारत के साथ एक समझौते के बाद दूसरा क्वाड साझेदार बनने वाला देश निम्नलिखित में से कौन है। याद रखना है चीप सप्लाई चैन के लिए, यानी याद रखना है चीप सप्लाई चैन के लिए भारत के साथ एक समझौते के बाद दूसरा क्वाड साझेदार बनने वाला देश कौन है। जल्दी से आपको बताना है, याद रखना है जब आपको चीप सप्लाई करेगा तो याद रखिए जब आप पान खा लेंगे तो आपको चैन मिल जाएगा। पान हम भी सोचते हैं आज खा ही लेंगे, तो याद रखना है जापान।